हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपके भी व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है तो आपके दोस्तों जो है फोन में सीधा वो मैसेज आपके स्क्रीन पर शो होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो मैसेज दोस्तों जो है डायरेक्ट मेरे फोन के स्क्रीन पर शो हो, उसके जगह पर आप चाहते हैं कि दोस्तों जो है केवल ये पता लग जाए कि कहीं से जो है मेरा व्हाट्सएप मैसेज आया है। वैसे तो दोस्तों जो है आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते होंगे, लेकिन दोस्तों जो है कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों जो आप नहीं चाहते हैं कि वो मैसेज मेरा कोई पढ़ पाए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपना मोबाइल जो है कहीं चार्ज में छोड़ देते हैं या दोस्तों जो है कहीं पर आप छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी दोस्तों जो है व्हाट्सएप पर कोई आपका मैसेज करता है तो वो दोस्तों जो आपको जो है स्क्रीन के ऊपर ही आपका मैसेज शो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको जो है फोन में कौन सी ऐसी सेटिंग करनी है। तो ये सेटिंग दोस्तों जो आपको हम दोनों फोन के लिए बताएंगे, जिसके पास दोस्तों जो फिंगरप्रिंट वाला फोन हो या दोस्तों जो है जिसके पास फिंगरप्रिंट वाला फोन नहीं है। ये सेटिंग दोस्तों जो है दोनों यूजर के लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है बात कर लेते हैं जिसके पास जो है फिंगरप्रिंट वाला फोन है, तो उसमें दोस्तों जो आपको क्या सेटिंग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है आपने जो है व्हाट्सएप को ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो आपको सीधा चले जाना है प्राइवेसी वाले सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों जो आपको सबसे नीचे जाइएगा तो आपको दोस्तों जो है नजर आएगा फिंगरप्रिंट लॉक का जो है ऑप्शन, तो उस पर दोस्तों जो आप क्लिक करना है और दोस्तों जो है यहाँ से आपको जो है फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। उसके दोस्तों जो है नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन, तो इसको दोस्तों जो आपको ऑफ करके रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप क्लिक करके इसको ऑफ कर लीजिए। बाद दोस्तों जो आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आएगा दोस्तों जो आपके फोन के स्क्रीन पर डायरेक्ट शो नहीं होगा। तो चलिए अब बताते हैं दोस्तों जो है कि जिसके पास जो है फिंगरप्रिंट वाला फोन नहीं है तो उनको दोस्तों जो है कौन सा सेटिंग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है आपको चले जाना है अपने फोन के सेटिंग में। उसके बाद दोस्तों जो आपको सीधा चले जाना है ऐप लॉक में। इसमें दोस्तों जो आपने व्हाट्सएप को जो है लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों जो आप देख पाएंगे कि आपका जो है व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज आएगा तो वो आपके जो है मोबाइल के स्क्रीन पर शो नहीं होगा, जब तक दोस्तों जो अपने व्हाट्सएप को आप ओपन नहीं कीजिएगा। तो यही था दोस्तों जो है कुछ सिंपल सा सेटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।